मैं अनुराग जी एक सेकंड आती हूँ आपके पास, आप ही इस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन जो यहाँ मैं एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा फिर। जो यहाँ पर कह रहे हैं प्रोफेसर साहब सौरभ मालवीय, वो सरकार ने भी किया है, कुछ ऐसी जमीनें जो कब्जे में थी अतीक अहमद प्रयागराज में, जो जमीन पर वो कब्जा था उसका कब्जा हटवा के वहां पर क्या बनवाया गया, वहां पर 76 ऐसे लोगों को घर दिए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए। तो सरकार ये कह रही है ना कि हम ऐसी जगहों पर से कब्जा भू माफियाओं का हटा के उसे सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करेंगे, दो ऐसे एग्जाम्पल मौजूद भी हैं। देखिए एक बात मेरी बात सुनिए और इस पे आप भी समझेंगी। सरकार अगर कोई अवैध कब्जा है, अगर किसी ने किसी दूसरी की जमीन पे कब्जा कर लिया है या सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, तो उस पर तो बड़ी आसानी से सरकार बुलडोजर चला के उस जमीन को अपने कब्जे में कर सकती है। उसके लिए उसके नजूल की कोई वहाँ पे उसको कानून बनाना पड़ेगा, इसकी तो जरूरत नहीं है ना। इसके पहले जैसा नाम आप ले रहे हो अतीक अहमद और फलाने और दूसरों का, तो उन्होंने जो जमीन थी कब्जा किया ना, जब बुलडोजर चलाना होता है बुलडोजर चलता है ना, कौन रोकता है उसको। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चलिए आप मेरी बात मत मानिए, इनकी पार्टी के अंदर क्यों नहीं, इन्होंने जो पार्टी के अंदर है आप बताइए, निषाद जी इनके एलायंस से क्यों विरोध कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल इन्हीं की पार्टी के एलायंस दल है क्यों विरोध कर रहे हैं, इनके विधायक क्यों विरोध कर रहे हैं, इनके मंत्री क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, इन्हीं के लोग तो, इनके लोग भी तो विरोध कर रहे हैं ना। तो इसके मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी तो मान रहे हैं ना, और उनके सहयोगी दल भी मान रहे हैं कि उसके बाद विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते, अगर वो विरोध नहीं करते तो पास हो जाता अब तक, नहीं अगर विरोध नहीं करते तो विधान परिषद में पास हो जाता, विधान परिषद में पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी सहमत नहीं इससे। तो सवाल ये है कि सरकार जबरदस्ती अपनी चीजों को जो थोपना चाहती है, सरकार की जो मंशा है गरीबों को तंग करने की, परेशान करने की, अनुराग जी मैं इसका जवाब हर्षवर्धन जी से लूंगी, ठीक है, त्रिपाठी जी चिल्ला पड़े थे, हर्षवर्धन जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक मिनट पहले एक बार पंकज जी उजाड़ते हैं ना, ठीक है अनुराग जी हो गया आपका, आपका सवाल मैंने ले लिया है, हर्षवर्धन जी जवाब इस पर देंगे भी, सौरभ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पंकज जी क्योंकि सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम किसी की बस्ती नहीं उजाड़ रहे हैं, हम तो इन जमीनों को सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करेंगे, हम जनता के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। कितना मतलब आप मुझे समझा रही ये बात योगी आदित्यनाथ, इसके पहले अकबर नगर उजाड़ दिया तो बताइए किसके हित में यूज कर रहे हैं। अच्छा जी पंकज जी को बोलने दीजिए, आप ही के साथ भाई अगर इतनी ही इनसे पूछ लीजिए, अकबर नगर पूरा उजाड़ दिया क्यों उजाड़ दिया जरा बताइए, 2100 मकान धाराशाही कर दिए, पंतनगर धाराशाही करने जा रहे थे 500 मकान, पहले एक ही बात बार बार मत बोलिए, मैंने आपका सवाल ले लिया, धाराशाही कर दिया तो क्या कर दिया ना, पंकज जी की बारी है उनको बोलने दीजिए, इसलिए बोल रहे हैं कि यही मुद्दा है इसी, हां ठीक है ओके सुन ली मैंने आपकी बात को जनता तक पहुंचाना है, बात सवाल भी मैंने आपका पूछ लिया, पंकज जी कांग्रेस के हैं बीजेपी के नहीं है, सुनिए जरा उनको पंकज जी बोले। देखिए अगर इतना ही आसान है जैसे आपने हमको समझाया, सरकार ने कहा गरीब नहीं उजाड़ेंगे, तो भाई फिर सिद्धार्थनाथ सिंह विधानसभा में खड़े होकर जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं इनके, वो क्यों कह रहे हैं ये तुगलकी फरमान है, क्यों उनके विधायक विरोध कर रहे हैं, और क्यों भूपेन्द्र चौधरी जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये गलत है, इसको नहीं पास होना चाहिए, चर्चा के लिए प्रवर समिति भेज दिया जाए। यानी सरकार ने एक फैसला किया, संगठन ने उस पर रोक लगवा दी, ये बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, अभी सौरभ जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं और लखनऊ में इनके घर से 10-5 किलोमीटर दूर ही होगा, दो दो ऐसी बड़ी बस्तियां थी, मेरा ख्याल है पंत नगर और अकबर नगर ही जहां तक उसका नाम था, वहां निशान लग गए थे, वो कह रहे अधिकारी क्यों करेंगे, बात पता चला कि अधिकारियों पर ही गाज गिर रही है, जब वहां विरोध हुआ और ये पता चला ये तो बड़ा वो हो जाएगा, तो कहा गया पंकज जी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, अधिकारी क्या काम करेगा, अरे भाई तो अधिकारियों के काम करेगा ना। सौरभ जी आप अपने बारी पे बोलिएगा, मैं किसी को टोकता नहीं, प्लीज आप प्रोफेसर साहब हैं, उन्हीं अधिकारियों पर कहा गया कि इन्होंने अपने मन से कर दिया, जब सरकार फंसने लगी तो ये लखनऊ की घटना भी कुछ दिन पहले, वहां निशान लग गया था, सब कुछ हो गया था, प्रोफेसर साहब कह रहे तो सरकार की मंशा थी हमने भी मान लिया, फिर सरकार उन अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है और कह रहे कि नहीं हम ये अपने आप कर रहे हैं, और ये कहीं पर भी अवैध कब्जा होगा उसको कोई भी हटाएगा, उसके लिए इस कानून की क्या जरूरत है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन गरीबों पर पड़ेगा जो दशकों से बसे हुए हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं हर्षवर्धन जी, क्योंकि अपनों की आवाज अगर आ रही है, अपनों की भी आवाज अगर आ रही है, तो इस मामले में सरकार घिरती हुई तो दिख रही है ना, शायद इसलिए आज सफाई भी देनी पड़ी। नहीं अच्छा है सरकार घिरे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकारें होती ही घिरने के लिए चुनी जाती है, इसका मतलब थोड़ी ना कोई उनको घेरेगा नहीं। अब ये एक कमाल की बात है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ही घेरने की आवाज सुनाई, ये भी बड़ा रोचक है शिरीन जी, इसको भी देश को जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो बिल्कुल जानना चाहिए, अब अनुराग जी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। नंबर एक, नंबर दो ये
जितनी चीजें अभी तक अब जो सरकार की तरफ से आई हैं वो उसको दुरुस्त करके उन्होंने बताया कि हम ये चीजें हैं जो होंगी, इस पर कोई और कब्जा नहीं होगा। 75,000 एकड़ अगर नजूल की जमीन है तो उसके उपयोग का कोई तो तरीका सरकार तैयार करेगी। और अगर एक कानून बनकर आता है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग जहां पर जिस जमीन पर हैं उसको सरकार उजाड़ेगी तो उसके खिलाफ हम यही बोल रहे हैं। फिर अनुराग जी मिलेंगे और यही बात करेंगे। अब जरा एक लाइन अकबरपुर की बात कर लेते हैं क्योंकि बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि आपने भी नहीं टोका, पंकज जी भी नहीं टोका, क्या हुआ? क्या बोलेंगे अकबरपुर के लोगों को? अकबरनगर आए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 2100 2100 पता है कि मैं सच बता रहा हूं। अब मैं तथ्य बता रहा हूं तो बोलना शुरू कर देंगे। आएंगे अकबरनगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया गया, लेकिन सोचिए वो अच्छा जीवन जी, अरे मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते मैं आती हूँ। एक मिनट अनुराग भदौरे, मैं आऊंगी, एक मिनट रुक जाइए, अपनी पूरी बात बोल लीजिएगा। आप ही की बात पर मैं सवाल कर रही हूँ। सौरभ जी अब इसका जवाब दीजिएगा, जो यहाँ अनुराग भदौरे ने भी बोला और यही यहाँ पर पंकज जी भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप लोग पहले से ही कहते हैं, मतलब सरकार अगर पहले से ही कह रही है कि हम तो अवैध निर्माण पर और ऐसे भू माफियाओं पर कार्रवाई कर ही रहे हैं, बुलडोजर तो कभी भी चल जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो फिर इस कानून की जरूरत क्या, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों महसूस हो गई फिर? सरीन जी मैं चूंकि अनुराग जी इस बात को जानते हैं, जिन 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 लोगों पर बुलडोजर चला है, जिस अतीक अहमद की बात आ रही है, वह अतीक अहमद भू माफिया कैसे बना, सवाल यह है उसका। अकबर नगर रुक जाइए, पहले रुक जाइए, बात हो रही है उसके नहीं बोलोगे, अकबर नगर की बात हो रही है, कहाँ चले गए, इधर भाग गए भैया, बात अकबर नगर की हो रही है, अकबर नगर बस्ती उजाड़ दी, आप भाग गए उधर, पंतनगर को जाने की तैयारी, आप भाग गए उधर। अरे आप कभी जनता की बात, अब अनुराग जी आप पहले सवाल पूछ लेते हैं, जवाब सुनने का धैर्य आपके अंदर होता नहीं है, आप सुन लीजिए ना, आप एक ही बात बार बार बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सवाल अलग तरीके से सामने आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।